एक रात में औरत को कितने बार सुख मिल सकता है या कितने बार ऑर्गेजम हो सकता है, ऐसा सवाल काफी लोग पूछते रहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि एक सेक्स जब आदमी करता है पुरुष, तो उसको दूसरा सेक्स करने के लिए और वो क्लाइमैक्स जो है मतलब सुख की चरम सीमा तक पहुंचना, इजैकुलेशन होना, क्लाइमैक्स होना, तो सेकंड बार करने के लिए आदमी को टाइम लगता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि हो सकता है कि जवानी में आधा एक घंटे के बाद में फिर से उसको इरेक्शन आ जाएगा और कर सकेगा, जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाएगी वैसा उसको एक एक दिन लग सकता है इरेक्शन आने को, और उम्र बढ़ते जाएंगे तो हफ्ते में एक बार, और उम्र बढ़ेंगे तो महीने में एक बार। औरत का ऐसा नहीं है, औरत का ऐसा है कि वो एक ही सेक्स में बहुत ज़्यादा बार उसको ऑर्गेजम हो सकता है, उसका हो जाता है बार बार एक ही सेक्स में। मतलब 10 में से 7 औरतों को, स्टडी में ऐसा पाया गया कि 10 में से 7 औरतों को एक ही रात में 20 बार ऑर्गेजम हुआ, मतलब 20 बार उनको उसका चरम सुख मिला, 20 टाइम्स। मतलब वो कितनी कर सकती है, देखो ना कितने बार कर सकती है एक औरत, क्योंकि उसको तो कोई इरेक्शन करना नहीं पड़ता है, उसको तो सिर्फ लिंग को अपने योनि में अकोमोडेट करना पड़ता है, लेना पड़ता है अंदर, और वो भी चिकना हो गया योनि, मतलब योनि एकदम चिकनी है, स्लीपरी है, ऑयली जैसी है, तो अंदर जाने में कोई तकलीफ होती नहीं है, तो वो कितनी बार कर सकती है। यूजली नॉर्मली एक सेक्स यदि 10 से 15 मिनट चलता है, और मेरा मतलब ये 10 से 15 मतलब उसमें फोर प्ले भी हो गया, वजाइनल सेक्स भी, इंटरकोर्स भी हो गया और आफ्टर प्ले भी हो गया, 10 से 15 मिनट चलता है या 10 से 30 मिनट चलता है, तो उसमें एक औरत को 3 से 4 बार भी ऑर्गेजम हो सकता है, 3 से 4 बार, और उसके लिए वजाइनल सेक्स करने की जरूरत नहीं है, लिंग का योनि में प्रवेश करना और इंटरकोर्स उसकी जरूरत नहीं है, औरत को ऑर्गेजम वैसे भी हो जाता है, फोर प्ले में भी उसको ऑर्गेजम हो जाता है, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते तो उसमें भी उसको ऑर्गेजम हो जाता है, मसाज करते हैं इरोजिनस जोन से बॉडी के ऊपर इधर उधर स्टिमुलेट करते, एक्साइट करते, उसको ऑर्गेजम हो सकता है। मतलब औरत को ऑर्गेजम होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको इंटरकोर्स ही करना है, और जब इंटरकोर्स करते हैं क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं तो उसमें तो होता ही होता है, और वो तुरंत 5 मिनट 4 मिनट बाद में फिर सेकंड ऑर्गेजम के लिए वो तैयार हो सकती है औरत, और वैसा आदमी का नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या है कि औरत कितने बार एक रात में संभोग की मजा ले सकती है, तो वो कितने भी बार ले सकती है, और 7 में से 10 औरतों ने ये कहा कि हम करीब करीब एक रात में 20 ऑर्गेजम्स भी उनको होते रहते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।